मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यपाल सांसद दिग्विजय सिंह के आज शुक्रवार को दोपहर में ग्राम बोरावा पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव, उनके अनुज विधायक सचिन यादव और माताजी श्रीमती दमयंती यादव सहित परिजनों ने गर्मजोशी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। दिग्विजय सिंह ने अपने कैबिनेट के साथी रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री स्व सुभाष यादव के निवास पर उनके बेटों अरुण यादव और सचिन यादव के साथ दोपहर के भोज का आनंद लिया। इस पारिवारिक भोज में श्रीमती दमयंती यादव ने दिग्विजय सिंह को निमाड़ी व्यंजन परोसे। भोजन के बाद दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव, सचिन यादव और उनकी माताजी के साथ चर्चा भी की। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि यह उनका निजी कार्यक्रम है। मुझे भाभी के हाथ की अंबाड़ी की भाजी और मक्का की रोटी खानी थी, इसलिए बोरावा आया हूँ। पंचायत चुनाव की तारीख के आगे बढ़ाए जाने पर बोले कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वह पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव हार रही है, इसलिए चुनाव आगे बढ़ा रही है। वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, यदि चुनाव होते तो हम स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे। साथ ही इस बार प्रत्याशी बिकाऊ नहीं टिकाऊ होगा। इस दो दिवसीय भ्रमण के दौरान दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने 300 किलोमीटर से भी अधिक का सफर एक साथ कर निमाड़ अंचल के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान में जुड़ने की अपील की। रास्ते भर विभिन्न स्थानों पर दिग्विजय सिंह और अरुण यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सिंह और श्री यादव ने भी सभी स्थानों पर रुक कर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज इस एरिया में जो भ्रमण चल रहा था, क्या संदर्भ था? भ्रमण नहीं है, मैं तो शादी में गया था। अच्छी शादी में लौट के बहुत दिनों से पानी की रोटी और सब्जी की रोटी नहीं खाई थी मैंने, ज्वार की रोटी, तो भाभी क्या खाना खाने आ गया था। अच्छा, वर्तमान में जो चुनाव आगे बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो तरीके से लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम पंचायत चुनाव होंगे तो हारेंगे, नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव होंगे तो हारेंगे, इसलिए चुनाव बढ़ाते जा रहे हैं। और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया इन लोगों ने, इसको कैसे स्वीकार कर लें? वर्तमान में कांग्रेस की क्या स्थिति, अगर चुनाव होते हैं तो क्या होगा? मजबूती के साथ इस बार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।